Good morning, 12th standard commerce and science students. I hope you have understood the poem number 5. Now we go ahead with poem number 6. And I hope you all are studying and trying to revise the chapters, the poems and every video of every subject which we are trying to impart you through YouTube so that you do not miss on your studies. Right? So be good boys and girls and try to revise them regularly. Right? So, here we start with poem number 6. The poem's name is Aunt Jennifer's Tigers. इसमें आंट जेनिफर के खुद के कोई टाइगर नहीं है. इसमें पोएट ने थोड़ा सरकास्टिकली बोला है कि जो वर्ल्ड में औरतें डरती है, फियरलेस नहीं होती है. दे आर फुल ऑफ फियर, दे आर नॉट फियरलेस, बिकॉज ऑफ विच दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टाइगर्स इन देयर लाइफ. राइट? ऐसे टाइगर्स जो उनको डराते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे टाइगर्स को उन्होंने खुद खड़ा किया है, क्योंकि वो लोग फियरलेस नहीं है, नीडर नहीं है. इसकी वजह से ऐसे टाइगर्स खड़े होते हैं और उनकी लाइफ को जो है परेशानी में डाल देते हैं. तो ऐसे टाइगर्स को जो है उनको ही हटाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है जिसमें विमेन को मेन के साथ आगे मिलके और बढ़ के चलना पड़ेगा. तो इस पोएम को हम समराइज करने की कोशिश करेंगे. आन जेनिफर थी वो एक सप्रेस्ड वुमन, बहुत ही ज्यादा दुखी और त्रस्त औरत थी जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, और एम्ब्रॉयडरी पे वो टाइगर्स बना रही थी. कैसे टाइगर्स? जो एकदम एनर्जेटिक थे, बहुत ही जोश भरे थे, बहुत ही जोश भरे थे और फियरलेस, डरते नहीं थे वो बिल्कुल, बहुत ही बहादुर और नीडर थे. दे वर मूविंग फ्रीली अराउंड राइट ग्रीनरी, वो ऐसे आराम से घूम रहे थे जंगलों में, जैसे घूमते ऐसे घूम रहे थे, ऐसा पोएट बता रहे हैं. द टाइगर्स ऑन हर नीडल वर्क वर इन टोटल कॉन्ट्रास्ट टू हर ओन लाइफ. उसका मतलब क्या हुआ कि जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी उसमें जो टाइगर्स थे उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट टाइगर्स थे उनकी लाइफ में. कॉन्ट्रास्ट मीन्स ऑपोजिट में. राइट? वो डोमिनेट, शी वॉज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड. उनकी लाइफ में उनका टाइगर जो थे वो उनके हस्बैंड थे. वो हस्बैंड उनके ऊपर बहुत ही डोमिनेशन करते थे एंड वाज अ कैप्टिव ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी. वो ऐसी सोसाइटी में मानते थे जहां पे औरतों का कुछ से नहीं होता है, औरतों की कुछ सुनी नहीं जाती है. ऐसे इंसान थे, यानी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली उनकी वाइफ को होल्ड पे रखते थे, जिनका नाम था आंट जेनिफर. द टाइगर्स ऑफ ब्राइट कलर, टाइगर जो बना रहे थे वो गहरे रंग के थे एंड लुक लाइक द शाइनिंग गोल्डन येलो ज्वेल टोपाज. और कैसे लग रहे थे? टाइगर जो होता है गोल्डन होता है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती है ना, तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे टोपाज एक पर्टिकुलर ज्वेल है. राइट? एक ज्वेल है, उसके जैसे चमक रहे थे. आंट जेनिफर नीडेड फ्रीडम, और आंट जेनिफर को फ्रीडम की जरूरत थी, आजादी की जरूरत थी. सो शी क्रिएटेड द टाइगर्स एज हर अदर वर्ल्ड. तो उन्होंने टाइगर्स कैसे बनाए अपने एम्ब्रॉयडरी में? जैसे कि अपनी लाइफ में उनको फ्रीडम मिला है, टाइगर से वो डरती नहीं है. राइट? वो टाइगर से नीडर होके सामना कर रही है. इस तरह से बनाए. और टाइगर्स को उसने कैसे बनाया? टाइगर्स रिप्रेजेंटेड फ्रीडम, फ्रीडम को प्रेजेंट करते थे. कॉन्ट्रास्ट में उनकी लाइफ में एक्चुअली जो मैरिड लाइफ थी उसमें कैसा था? उनके हस्बैंड उनके ऊपर जो है कोई भी तरह की लिबर्टी नहीं देते थे, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था. तो उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी बनाई वो एग्जैक्टली ऑपोजिट बनाई, जिसमें टाइगर से उनको फ्रीडम है और टाइगर से उनको परेशान नहीं कर रहे. इस तरह से बनाए. सेकेंड स्टेंजा में क्या है? आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर्ड द इमेजेस ऑफ द टाइगर्स. टाइगर्स के जो पर्टिकुलर इमेजेस उन्होंने बनाए किसके द्वारा? वुल यूज करके. उन जो होता है शिप में से निकलता है वुल, वुल में से बनाए. राइट? पर वो डरी हुई थी. वो क्या थी? डरी हुई थी उनके हस्बैंड से, क्योंकि वो हमेशा उनको जो है परेशान करते रहते थे. और वो फिर क्या हुआ उनका? उनके हाथ में एक आइवरी की नीडल थी. राइट? आइवरी की नीडल थी, सुई धागा होता है ना, तो सुई थी उनके हाथ में. वो उसका वेट भी कैरी नहीं कर पा रही थी, वो उसका वेट, वुल का जो वेट है वो भी कैरी नहीं कर पा रही थी, इतनी डरी हुई थी. राइट? सो हर फिंगर्स सीम टू बी फ्लटरिंग, तो उनकी उंगलियां भी कांप रही थी, जैसे वो वुल कूदते कूदते उनकी उंगलियां भी कांप रही थी. वो वेडिंग रिंग पहनी हुई थी उन्होंने हाथ में. अब
अपने शादी की रिंग पहनी हुई थी, उन्हें उनके हस्बैंड ने दी थी ऑन अ फिंगर एंड द बैंड सीम टू बी वेरी हैवी ऑन हर हैंड, और जो बैंड था उनके हाथ में वो भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भारी है, बोझ है उसका कुछ, ऐसा हाथ पे उनको लग रहा था। और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ किसका था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, फैमिली की बहुत सारी जवाबदारियां उनके ऊपर थी। जेनिफर वर्क एंड बोर हार्डशिप्स टू ग्लोरीफाई टाइगर इन लाइफ और हस्बैंड, ठीक है, वो काम करती रहती थी पर वो काम उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पूरे दिन काम करती रहती थी, क्यों, क्योंकि उनके हस्बैंड हमेशा उनको बोलते रहते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में एक टाइगर था उनके हस्बैंड, जिनसे वो डरती थी अगर काम नहीं करेगी तो वो परेशान करेंगे, इसलिए पूरा दिन वो काम करके बोर हो जाती थी। राइट, फाइनल सेंसामेंट पोइटिस ने क्या बोला है, सैड ट्रुथ, एक बहुत ही दुखद सच है, राइट, दैट इवन डेथ वुड नॉट बी एबल टू रिलीज ऑन जेनिफर, मौत भी उनको रिलीज नहीं कर पाएगी, शांति नहीं दिलवा पाएगी फ्रॉम द सफरिंग में से शी हैड अंडरगॉन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, तो पूरी जिंदगी उन्होंने सहा है, उसको उनकी मौत भी अगर आ जाए तो वो शांति नहीं मिलेगी, ऐसा पोइटिस बता रही है। टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाय हर वुड फॉर एवर बी फ्री, और वो जो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही है, राइट, गूंथ रही है, वो तो फ्री हो जाएंगे, राइट। द पोएम वाज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, आगा कर रही है पोएटिस कि कितनी विमेन है जो मैन के डोमिनेशन से, मैन के परेशान करने की वजह से सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा दबी हुई रहती है और डर के रहती है, ऐसी हालत उनकी हो जाती है, और वो किस चीज की इच्छा रख रही है, वो फ्रीडम की इच्छा रख रही है, रिस्पेक्ट की इच्छा रख रही है, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, उनको सिर्फ दुख मिल रहा है, वो जब तक मरेगी तब तक वो दुख उनको सहन करना है, और मरेगी तभी वो उसमें से रिलीज होंगी। पोएटिस चाहती है जो विमेन रीडर्स है उनको पता चलना चाहिए कि भाई आप खुद ही गुनेगार हो, आपको खुद को ही दोष दिया जाता है, ऐसे टाइगर्स आपने खड़े किए हैं सोसाइटी में, they needed to become independent, आपको खुद को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। पोएटिस बोल रही है, विमेन को मैसेज दे रही है कि आप खुद स्वतंत्र हो जाइए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, डर के बिना निडर हो जाइए, ताकि आप ये सब गुलामी के रास्ते जो है उससे बाहर निकल पाओ और अच्छी तरह अपना जीवन जी पाओ, क्योंकि जो है अकेले पुरुष की गलती नहीं होती है, औरत को भी निडर होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आज विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, उसको लेके पोएटिस ने ये पर्टिकुलर पोएम बनाई है और अच्छा सा मैसेज दिया है विमेन को कि बी स्ट्रॉन्ग, बी सेल्फ रिलायंट, मींस बी इंडिपेंडेंट एंड ट्राई टू लिव योर लाइफ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे सो दैट द टाइगर्स डू नॉट एंटर, द टाइगर्स मीन द मेल्स डू नॉट डोमिनेट यू इन अ रॉन्ग वे एंड एक्सप्लॉइट यू, राइट right? तो ये पोयम बहुत अच्छा मैसेज है आज की विमेन के लिए जो पोएटिस ने दिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें और बढ़िया तरीके से रिवाइज करें और जो आपको होमवर्क दिया जाए उसको कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।